मंगनी पट बिहा दीदी कर रही है आज आपको क्या हुआ? दोनों आदमी मिल के ही ना कि खाली दीदी जी कर रहे हैं। हाँ, सिंगल दीदी क्या बात है। दोस्तों यहाँ पे फाइनली चावल हो चुके हैं और चावल का पानी निकाल के वहाँ पे रख दिए हैं, देख सकते हैं। और जो है अभी लोहिया के पट पट इस पे जो है ना दाल चढ़ा दिए हैं, गैस कम कर दिए हैं। और देखिए इसमें क्या कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और सुबह सुबह प्यार भरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। दोस्तों आज बहुत लेट से जगे 7:30 बजे, क्यों? क्योंकि रात में सारा काम हो गया था, कर लिए थे रात में बर्तन वगैरह सब, इधर देख सकते हैं दोस्तों रात में ही धो लिए थे। और दीदी जी इधर चाय बना के पी ली है, रात में हम लोग सो गए थे तब आई थी। और देखिए चाय बना के पी ली, इसमें पानी डाल के रख दिए। इधर देखिए चटपट में खाना वगैरह सब भी चढ़ा दिए हैं, इसमें जो है ना इन मतलब आगे कैमरा से फ्रेश नहीं दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं कि पट पट इस पे जो है ना दाल चढ़ा दिए हैं, गैस कम कर दिए हैं। और देखिए इसमें क्या चीज का दाल है, मूंग का दाल है दोस्तों, खोल रहे हैं देख सकते हैं अभी। और दिखा दिए दोस्तों गैस पे क्या चढ़ा हुआ है, दाल चढ़ा दिए हैं। इधर देखिए चट मंगनी पट बिहा खाना बन रहा, यानी वही हुआ है, कहने का मतलब हुआ की करो अपना। दीदी जी क्या बोल रही है, की बोल रही दीदी? तोरा सुतल रहवा त की करबो, ए सुतल ली है, ए देखो उने खाना बनल छे ने दोस्तों रात ना खलियत की करबे त। दोस्तों देख क्या बे चावल चढ़ा चुके हैं, चावल उसमें दे दिए हैं, बेसन बैगन काट लिए हैं, इधर आलू वगैरह सब भी धो के हम ला लिए हैं। इधर जाके खा रहा है यहां पे देखिए क्या हो कर रहे हैं, वो बकलेल को देखिए कैसे लग रहे हैं। हम आलू काट रहे थे, हमको नहीं दिए काटने, बोल रहे आप सब चीज ला दीजिए यहाँ, तेल वगैरह सब हम सारा चीज यहाँ पे। बाप रे देखिए, बाप रे बाप कितना तेज है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, बनाने में हमको भी लेट नहीं होगा क्योंकि सारा चीज हम भी जुकता लेते हैं, इधर आने ला के वहाँ पे रख देते हैं, चटपट हो जाएगा खाना वगैरह सब बन जाएंगे, ले जाके रख रहे हैं, बने रहिए इसी तरह। दोस्तों यहाँ पे फाइनली चावल हो चुके हैं और चावल का पानी निकाल के वहाँ पे रख दिए हैं, देख सकते हैं। और जो है अभी लोहिया चढ़ा दिए थे, पापड़ वगैरह सब है और ये सब्जी आलू का भुजिया सब चीज सारा चीज धोया हुआ है, बेसन वगैरह सब। और अभी झांकेंगे तो फिर अभी आप लोग को दिखाते हैं। बड़ी मैं दोस्तों इसीलिए बहुत फास्ट बोलना पड़ रहा है, तो इसके लिए सॉरी आप लोग से, जहाँ भी गलती होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए बने रहिए इसी तरह। सारा चीज यहाँ पे जुकता लिया और देखिए कैसे कर रहे हैं, टांग छान दिए हैं, वाह चलिए दिखा रहे हैं। हाँ हम नहीं दोस्तों, यहाँ पे दाल सीज चुके हैं और पानी भी चूल्हा पे गर्म होने के लिए दे दिए थे, देखिए बहुत हर फर में वहाँ पे पानी भी गर्म हो गए हैं। देखिए दीदी जी क्या हाल है, हुआ जब तक हम नहीं लगेंगे तब तक जल्दी होगा नहीं, क्या बात सही है ना। चलिए देखिए मार रहे सुनते समय क्या है, ये दाल है, दाल सीज का है दीदी, जो दाल फोरन दे दिए, देखिए आलू का भुजिया बना रहे हैं। अरे आज दीदी जी कर रही है, आज आपको क्या हुआ? दोनों आदमी मिल के ही ना कि खाली दीदी जी कर रहे हैं। हाँ, सिंगल दीदी क्या बात है, सुतल रहे दोनों टा। हाँ जैसे अंकल ये चल लेते सर के यार, भुजिया एक बात बताइए, एक बात बताइए, हम नहीं आते तो अभी तक मिलना होता? नहीं नहीं जी झुकता दिए, अरे उनसे थोड़ी होता, रात में पोछा बर्तन वगैरह सब कर दिए, हमको झूठा बनाते हैं। चलिए वहाँ पे भुजिया बना, मजा हुआ था, हर एक चीज किया था दोस्तों, रास्ते में कर लेते आरती जी, सब कुछ कर लिया। जाओ पढ़ने के लिए, तुम लोग जाओ इधर निकलो, बच्चा लोग को पढ़ने में भी इतना दिक्कत होता है ना, सुबह सुबह जाने के लिए ना चाहती है सुबह सुबह। देख सकते हैं दोस्तों आरती जी पूरा जल्दी में लगे हुए हैं क्योंकि सर जी सब आए हैं, दीदी का सर जी है और अब खाना खाएंगे उसके बाद ही जाएंगे ना। सर जी, आपका सर जी ना? हाँ हम लोग का भी है, फास्ट और तेज। Thank you.
पे दाल बना के रख दिए हैं दीदी जी, और आलू का भुजिया भी बन गया। दीदी जी थोड़ा दाल दिखाइए, आलू का भुजिया दिखाइए। दीदी जी दिखाइए दिखाइए जल्दी से। देखिए दोस्तों उसमें है दाल, देखिए छौंक दिए हैं और आलू का भुजिया है इसमें। देखिए आलू का भुजिया भी बन गया, चावल भी बन गया, और यहाँ पे जो मतलब कढ़ाई इसको बोलते हैं, आप लोग बोलते होंगे और हम लोग इसको क्या बोलते हैं दीदी, लोहिया, लोहिया बोलते हैं। और देखिए अभी धो रहे हैं, धो के जो है कचरी वगैरह सब बनाएंगे। और धरती दीदी पूजा कर रही है, यहाँ पे बैगनी भी छाक लिया दीदी जी, यहाँ पे देख सकते हैं, और पापड़ यहाँ पे छाक रहे हैं, और तो उधर सब चीज बन ही रहे। इधर देखिए इनको ठंड लग गया, इधर आके आग ताप रहे हैं। दीदी जी कैसे, छोड़ दीजिए दीदी जी, उठिए आँच कम कर दीजिए, हम छाक देते हैं। तो दोस्तों अब हम छाक देते हैं, दीदी जी खाना देने जा रही है, तो बने रहिए इसी तरह। देखिए फाइनली कचरी हम बना लिए हैं और सारा चीज इधर फाइनली बन चुका है, खा भी रहे हैं सब, और अभी आए हैं खाने के लिए। देखिए और वहाँ पे कौन सा चावल खा रहे हैं मम्मी जी, सिवा सब खा रहे हैं। और यहाँ पे हम रात का चावल फ्राई, रात का चावल दोस्तों फ्राई कर रहे हैं, और अभी खराब नहीं हुए हैं, यही चावल दे देंगे और वो चावल बचेंगे तो खाना के टाइम में खा लेंगे क्या, ठीक है ना? हाँ कुछ बोल नहीं रहे हैं, चलिए। तो दोस्तों भात चावल वगैरह सब जो है ना फ्राई करके सबको दे दिए हैं खाने के लिए, और सब खा भी लिए हैं, और सिवा मम्मी जी सबको दिखा दिए, और इनको भी दे दिए खाना। घर में अभी तक जूठा पड़ा हुआ ही है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जूठा पड़ा हुआ ही है, देख लीजिए उधर। और अभी जो है ना खा के गए हैं द्वार पे, कोई आए हैं मिलने के लिए, इसीलिए मतलब गए हैं वहाँ पे, दीदी जी आवाज़ दे रही थी। और जो है दोस्तों सबके लिए तो खाना बन चुका है, बट पापा के लिए नहीं, सब खा भी लिए, खा के सब अपना अपना काम पे चले गए हैं, और पापा अभी तक नहीं खाए हैं, 9:30 बज चुके हैं। तो पापा के लिए कुछ बना ही नहीं, सिर्फ दाल बना है ना। पापा जो है बैगन खाते हैं, ना आलू खाते हैं, ना चावल खाते हैं, जो सब चीज़ बने अभी तो पापा कुछ भी नहीं खाते हैं इसमें से। पापा सिर्फ रोटी दाल गोभी का भुजिया करेला का भुजिया हो यही सब खाते हैं, यानी कि ऊपर का जो धरती के नीचे का नहीं ऊपर का सब्जी होता है वो भी बैगन तो ऊपर का ही है, तपड़ भी नहीं खाते हैं दोस्तों। तो पापा के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आटा सान चुके हैं, सान के और यहाँ पे तवा वगैरह सब भी चढ़ा दिए हैं, और अभी रोटी बेलेंगे पापा के लिए, और थोड़ी देर के बाद जो है तब तक जो है ना पापा को दाल और रोटी दे देंगे खाने के लिए। बचेगा करेला का भुजिया, तो करेला का भुजिया बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे फिर दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे, अभी थोड़ा सा ही क्लिप है, 9:30 बज चुके हैं दोस्तों इसीलिए। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा आप लोग, हम लोग से जहाँ तक होता है वहाँ तक दिखाते हैं, और जो रियलिटी होता है वही दिखाते हैं दोस्तों, क्योंकि बाहर वगैरह सब तो घूम नहीं पा रहे हैं, आप लोग को पता ही है सारा चीज़, आप लोग को पता ही है इसीलिए। तो इसी में दोस्तों आप लोग प्यार दुलार दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े, आप लोग भी आगे बढ़े साथ साथ, आप लोग के दुआ से आज तक यहाँ पे हैं, और आगे आप ही लोग ले जाइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।